हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ अंशिता और आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है। और आज हमारे साथ व्लॉग में है श्याम। देख रहे होंगे आप लोग, प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही है हमारी। और ये गौरी, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग है श्याम। हाय। हेलो। और ये विदान विद स्पेशल है बैंड। और यहाँ पे कुछ स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे फ्रेश मिंट है, हम लोग अपने टैलेंट से लेके आए हैं। अनियन है, ब्रेड है और वहाँ पे पोटैटोस बॉईल हो चुके हैं। ये देखो आप लोग दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तब तक हम मिलते हैं फिर अभी आपसे और बताते हैं क्या रेसिपी है ये। चटनी साबुत लाल मिर्च है जिसको भिगोया हुआ था और इसके अंदर गार्लिक है, सॉल्ट डाल दिया है और ये काचरी है। ये हम हिमाचल जब गए थे तब वहाँ से लेके आए थे, वहाँ की अलग आम से बनती है ये, कच्चे आम से। मुझे भी दिखाओ। हाँ, तुमको भी दिखाएंगे। अमचूरी है ये एक तरीके से। मुझे भी दिखाओ। और इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं? नहीं, बस इतना ही। और ये जार हो गया है सेट। अरे अरे अरे, वो ऑन तो नहीं है ना। ओके, अब ये बनने वाली है चटनी। और हाय गाइस, यहाँ पे मैं अपनी ब्रेड काट रहा हूँ। गौरी खा रही है, मैं ब्रेड काट रहा हूँ। मैम ऐसे हम लोग क्या बना रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता है पापा क्या बना रहे हैं। पापा आप क्या बना रहे हैं? ऐसे ही बना रहे हैं। स्पेशल है, अब क्या है वो बताइए। ओके, ट्राई कर रहे हैं। सो गाइस, पहले मैं जल्दी से टाइम स्लैप के रख दूंगा गोप्रो को और फिर ये ब्रेड काट। तो यहाँ बन गई है वो पेस्ट चटनी वाला और इसमें डाल रहे हैं कर्ड। दही काफी गाढ़ा है ये, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इस चटनी के अंदर। काफ़ी सिंपल सी भी है, आप लोगों ने देखा ही था। इसके अंदर एक भीगी हुई लाल मिर्च थी, साबुत गार्लिक डाले थे हमने, कम से कम 7-8 क्लोव्स थे और सॉल्ट था और थोड़ा सा वाटर लिया और बस इसको हमने पीस लिया है। और अब इसके बाद क्या डलेगा इसमें? कुछ नहीं डलेगा इसके बाद। और इसको ये धूपन से थोपने वाले हैं। ओके, देखो आपका कलर ही कितना बढ़िया आ रहा है। ये इस तरीके से फेंट लिया है इसको और ये बन गई है चटनी। अभी इसमें और कुछ भी करना बाकी है या रेडी हो गई है? ओके, ये रेडी हो गई है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बात तो है, जब संडे आता है ना मेरी मौज आ जाती है, क्योंकि उस दिन बनाते हैं शाम पूरा हमारा लंच और ब्रेकफास्ट जो भी हम लोग करते हैं। कई बार हम लोग क्लब भी कर लेते हैं तो मेरे मज़े आ जाते हैं। मुझे सिर्फ सामान देना होता है, बाकी सारा काम बच्चे करते हैं और शाम करते हैं। तो इसी बात पे वीडियो को क्या करोगे आप लोग, लाइक करिएगा, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बन रही है हमारी दूसरी चटनी और इसको ये मिंट वाली चटनी है इसके। और अब मिंट मिंट है, बाकी मसाले बाद में। बाकी डाल दिया है नमक, सिका हुआ जीरा डाला है, काली मिर्च डाली है साबुत 3 से 4 कम से कम। और अब इसमें डालने जा रहा है चाट मसाला और ये रेडी हो जाएगी हमारी चटनी। और बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूं। देखो कर रही है ब्रेड के स्लाइसेस। आपका हाथ बचा लेना, नहीं तो कट जाएगा बेटा। ठीक है, नो बच गई। सो गाइस, एक 2 साल के बच्चे ने बहुत सारी मेहनत की है। ओह, 2 साल नहीं, 20 13 साल नहीं, 12 साल, 11 साल। आई एम 11 ईयर्स। मैंने किया हाँ, इसने ब्रेड्स का खून किया है और मैंने ब्रेड्स का तरीके से काटा। ग्रीन ग्रीन चटनी बन चुकी है और बड़ी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। नहीं, सो गाइस चले इसको टेस्ट करते हैं। मुझे भी खाना, मुझे भी। एकदम चटपटी है, मज़ा आ गया। यहाँ बन रहा है आलू का मसाला। शाम के हाथों का स्वाद इस भगोनी में कूट कूट के भरा जा रहा है। इसके अंदर आपको मैं बताऊं, आलू है बॉइल्ड जिसको मैश कर दिया था,
फिर इसके अंदर हमने ग्रीन चिली डाली, रेड चिली डाली, सॉल्ट डाला है और क्या डाला है? कस्तूरी मेथी, पुदीना। ओके, कस्तूरी मेथी और पुदीना, जो पुदीने का पेस्ट बनाया था ना वो डाला है इसके अंदर। अब हम इसके बनाने वाले हैं क्या, आलू के बंडे। आलू बंडे, आलू हाँ, ब्रेड है और यहाँ है आलू। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करना है इसको, पहले इसमें लोट पोट ब्रेड हमने क्या करा, इसको पानी में लगा दी है डुबकी, यानी कि डिप कर दिया है हल्का से, हाथ से इसको ऐसे स्क्वीज कर दो। और फिर ये डाल दिया है आलू का मसाला। आप चाहो तो सिंगल ब्रेड ले सकते हो, चाहो तो डबल ब्रेड, वो डिपेंड करता है आपको साइज कितना बड़ा चाहिए। और इस तरीके से इसको रैप कर दो और फिर इसका लड्डू बना दो। इस लड्डू तो बनाने आते होंगे ना, सेम हो वैसे। हाँ गौरा, नहीं बेटा मैं दिखाती हूँ, बेड रोल्स बना दिए हैं मैंने ये। और ये शाम में ना कुछ और ही बोल रहे थे, वो क्या आलू बंडा उसको बोलते हैं जो दिल्ली में, वो नहीं बॉम्बे में वो बनाते हैं ना। हाँ उसको यहाँ इधर आलू बंडा बोलते हैं। ओके, बॉम्बे में क्या बोलते हैं? वड़ा पाव। वड़ा पाव। ओके, और यहाँ पे ये है टोमेटो, और ये टोमेटो का इन्होंने कुछ खतरनाक सा कुछ किया है, इसको ऊपर टॉप से कट कर दिया और इसके बाद इसको इसके अंदर जो गूदा था ना वो स्पून से निकाल दिया है। और अब देखते हैं इसका क्या बनने वाला है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका क्या बनेगा, कोई आइडिया नहीं है। देखो आप लोग टमाटर, उस टमाटर के अंदर वो जो मसाला बनाया था वो उस मसाले को हमने यू नो मल्टीटास्किंग कर दिया है, बहुत जगह उसको यूज़ कर लिया है। और इस स्पून लिए, स्पून के अंदर से, स्पून की हेल्प से इसको अंदर डाल देते हैं। और फिर आई थिंक इसको डीप फ्राई करोगे, इसको डीप फ्राई करोगे। और ये देखो आप लोग बन रहा है बेसन का घोल, इसमें वो आलू के बंडे बनेंगे। इसके अंदर डाला है अजवाइन क्रश करके, और सॉल्ट डाला है, और ये लाल मिर्च डल रही है, और इसका घोल बनाया जाएगा। और ये देखो आप लोग, हम लोग का आलू बंडा बनना शुरू हो गया। इसको डीप फ्राई करना है, इस तरीके से बॉल्स बना दी थी आलू की, और फिर इसको बेसन में डिप करके, और फिर इसको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई होने का बाद हमें इसे क्या करना है, खाना है। यहाँ पे बन गए हैं आलू बंडे, वो देखो धीरे से कांच का एक मिनट। और ये ली है ब्रेड, और ब्रेड के अंदर इनको कर दिया है मिक्स, और फिर ये खाने वाले हैं लाइक दिस। गौरी कैसा लग रहा है आपको ये? गरम है, गरम है, गरम है, गरम है। तो जब तक ये लोग खाते हैं आप लोग मुंह में पानी लेके आओ, और मैं भी खाती हूँ फिर। ओके, ये बन गया है मेरा सैंडविच सॉर्ट ऑफ, और ये चटनियाँ, और मैं बताती हूँ आपको कैसा बनाया। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यम है। और वैसे भी ना माँ के हाथ की सूखी रोटी और पति के हाथ का कुछ भी बनाया, और दोनों ही स्वाद लगते हैं, तो शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे मेरी। तो मज़े लेती हूँ मैं भी मेरे हस्बैंड के हाथ का बनाया हुआ स्पेशल। और ये हो गए हमारे ब्रेड रोल रेडी, आप देख रहे हो गोल गोल एकदम शेप बनी है इनकी, मस्त लग रहा है एकदम। और ये चटनी के साथ इसको अब हम खाने वाले हैं, तो हम खाते हैं और आप देखो। मुझे बनाने का तो क्योंकि गर्म गर्म स्टार्ट हो गए हैं टमाटर बंडे बनने के लिए तैयार। ये देखो आप लोग, इसके अंदर हम लोगों ने फिलिंग करी दी थी, देखा ये था, और ये बेसन में इसको रैप करा और डाल दिया ऑयल के अंदर, और इसको भी डीप फ्राई करना है। और ये चीज़ मैं पहली बार खाऊंगी, और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो रही है मुझे इसको खाने के लिए, आराम से हाथ ना जल जाए। यह है हमारा टमाटर वाला, और अब हम इसको खाने वाले हैं, और फिर बताते हैं आपको कैसे बनाए। तो चलो अब हम इसको खाते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है ये, थोड़ा सा खा के बताती हूँ मैं।
चटनी के साथ तो वो आएगा, टमाटर के साथ खाएगी तब टेस्ट आएगा ना। टमाटर के साथ खट्टी खा नहीं रहा, बहुत ही गर्म है अभी, थोड़ा रुकना पड़ेगा इसके लिए। वो ठीक वाला ला देना बेसन। अपने साथ थोड़ी सी एक चूक हो गई है, वो ये कि अपन ने जो बेसन लिया था ना, वो थोड़ा सा पतला था, क्योंकि आलू वो बेसन वाले जो बनाए थे ना हमने आलू वाले, उसके अंदर बेसन पतला चाहिए और ये टमाटर वाले में बेसन आपको गाढ़ा चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था, आइडिया नहीं था, नेक्स्ट टाइम हमें पता है कि कैसे करनी है रेसिपी। तो आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग ये गलती मत करना। बाकी मैं टमाटर के साथ खा के देखती हूँ, वैसे तो टमाटर फेवरेट ही है मेरा, पर भी गर्म बहुत है ये, ठीक है खाते हैं। बस सब फ्लेवर आ रहा है टमाटर। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है यहीं फिनिश करते हैं, और लास्ट में मैं पी रही हूँ बटर मिल्क यानी कि छाछ, ताकि जितना भी ऑयली जो खाया ना वो डाइजेस्ट हो जाए। और ये गौरी अपने सिपर से पी रही है प्लेन छाछ, मैंने मसाला छाछ बनाई है, मेरे को और शाम को मसाला छाछ ज़्यादा पसंद है, और बच्चों के लिए प्लेन बनाते हैं हम लोग। गौरी फिनिश करने वाली है, गौरी आप सबको बाय कर दो। अरे हाँ, और यहाँ पे मैं विदान को दिखाती हूँ, विदान क्या कर रहा है, तो विदान सबको बाय करेगा, बाय, टीवी देख रहा है। हाँ ये गौरी ने ट्रेन बना दी है, नहीं ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, कौन स्विमिंग करेगा इसमें गौरा। और ये शाम आ गए रूम के अंदर, हेडफोन लगा के मोबाइल के अंदर बिजी। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ, और वीडियोस को क्या करो कि आप लोग लाइक करते रहना, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।